प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। एक बार की बात है, जंगल में एक पेड़ पर मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो सारा दिन दाना चुगती रहती और बहुत ही कम आराम करती थी। पर मीनू चिड़िया के घोंसले के सामने ही एक आलसी कौवा रहता था। वह कौवा बहुत ही सुस्त था और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था। बस सारा दिन अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था। मीनू चिड़िया रोज सुबह उठकर सोचती थी कि आज ये कौवा जरूर दाना चुगने जाएगा। और यही सोचकर मीनू चिड़िया अपना दाना चुगने के लिए चली जाती थी। पर जब मीनू चिड़िया वापस आती थी, तब भी वो कौवा अपने घोंसले में आराम ही कर रहा होता था। तेरी मैं रोज सोचती हूँ कि आज ये कौवे भैया काम करने जाएंगे, पर ये तो कभी भी दाना चुगने नहीं जाते। मुझे इन्हें समझाना होगा। फिर मीनू चिड़िया कौवे के घोंसले पर जाती है। अरे आओ आओ मीनू चिड़िया, कैसे आई हो? अच्छा अच्छा, जरूर मेरे लिए कुछ खाने को लाई होगी। लाओ दे दो। तेरी नहीं कौवे भैया, मैं आपके लिए कुछ खाने को नहीं लाई हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा खासा आराम कर रहा था मैं, तुम पता नहीं यहाँ क्यों आ गई। अब आ ही गई हो तो बताओ कि यहाँ क्यों आई हो। मेरी कुंवे भैया, मैं तो आपको ये समझाने आई थी कि आप इतनी काम चोरी क्यों करते हो। बरसात का मौसम आने वाला है, आप अपने घर में बहुत सारा दाना जमा कर लो और अपना घर भी पक्का कर लो। आप हमेशा किसी न किसी से दाना मांगते रहते हो, पर बारिश के मौसम में तो आप किसी से दाना नहीं मांग सकते ना। और पिछले साल भी आपने अपना घर पक्का नहीं किया था। पिछले साल आपने बिल्कुल भी दाना जमा नहीं किया और सारा दाना आपने मुझसे ही लिया था। और इस बार मेरे पास बहुत ही कम दाना है, तो मैं आपको यही बताने आई थी कि इस बार मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। अरे तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैंने तुमसे एक बार मदद क्या मांग ली, तुम तो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लगी हो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, इस बार मैं तुमसे मदद मांगने नहीं आऊँगा। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, एक बार मदद क्या मांग ली, ज्यादा ही इतराने लगी है। फिर चिड़िया खूब मेहनत करके अपना घर काफी पक्का बना लेती है और अपने घर में काफी सारा दाना भी जमा कर लेती है। और फिर चिड़िया अपने घर में खूब आराम से रह रही होती है। मेरी मैं कौवे भैया का क्या करूं? बरसात का मौसम कितना करीब है, फिर भी उन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं। लेकिन मैं उन्हें समझाने जाती हूँ, तब भी वो नहीं समझते। मैं क्या करूँ? मेरी हाँ, एक काम करती हूँ, अपने घर के बनने की खुशी में मीठे अंगूर उनके पास लेकर जाती हूँ। पर अब मुझे अंगूर का पेड़ यहाँ कहाँ मिलेगा? पर कुछ भी हो, अब मैं अंगूर ढूंढ कर ही रहूँगी। फिर वे मीनू चिड़िया जंगल में जगह जगह अंगूरों का पेड़ ढूंढ रही होती है। अरे क्या करूँ, कहीं भी पेड़ नहीं मिल रहा है अंगूर का। फिर मीनू चिड़िया की नज़र सामने पड़ती है तो सामने एक अंगूर का दरख्त होता है। अरे वाह, मिल गया मुझे अंगूर का पेड़, खूब मजा आएगा ना। अब मैं कौवे भैया के लिए अंगूर ले जाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से अंगूर लेकर कौवे के पास जाती है। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए अंगूर लाई हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये अंगूर किस खुशी में लाई हो? मेरी कौवे भैया, मेरा घर पक्का बन गया है, इसीलिए मैं आपके लिए अंगूर लाई हूँ। अरे वाह वाह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारा पक्का घर। कौवे भैया, मेरा घर तो पक्का हो गया है, पर तुम्हारा घर कब बनेगा? अरे मीनू चिड़िया, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, फिर से तुम मुझे वही बात करके परेशान मत करो। तुम जब भी आती हो मुझे सलाह मत दिया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है कौवे भैया,
अगर आप अपना घर नहीं बनाओगे तो बरसात में मैं आपको अपने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं दूंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगा, जाओ यहाँ से और मुझे अंगूर खाने दो। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे लगता है ये मीनू चिड़िया पागल है, बार बार मुझे यही बात कहती रहती है। अरे जब मुझे यहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ मिल रहा है तो मैं दाना जमा करने क्यों जाऊँ? पता नहीं मीनू चिड़िया ये बात कब समझेगी। फिर कुछ दिनों के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया तो बहुत आराम से अपने घर में रह रही होती है, पर कौवे ने तो अपना घोंसला बिल्कुल भी पक्का नहीं किया था, उसका घोंसला तो हवा से उड़ चुका था। अब बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था। अरे मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी, मुझे थोड़ी मेहनत करके अपना घर पक्का बना लेना चाहिए था। मुझे कितनी ठंड लग रही है, अब मैं किसके घर पर जाऊं? अब मेरी मदद सिर्फ मीनू चिड़िया ही कर सकती है, मीनू चिड़िया बहुत दयालु है। फिर कौवा मीनू चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और कहता है, अरे मीनू चिड़िया मेरी मदद करो, मैं बाहर बहुत भीग रहा हूँ, मुझे अंदर आने दो। मेरी नहीं नहीं कौवे भैया, यही आपकी सजा है, मैं आपको अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैंने आपको कितना कहा कि आप अपना घर बना लो, लेकिन आपने नहीं बनाया। अरे मीनू चिड़िया मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना घर बना लेना चाहिए था, अब तो तुम मुझे अपने घर में रख लो, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। फिर मीनू चिड़िया को दया आ जाती है और वो कौवे को अपने घर में बुला लेती है। ये लो कौवे भैया, ये कुछ दाना खा लो। फिर वे कौवा वो दाना खा लेता है। दाना खाने के बाद मीनू चिड़िया उस कौवे को कहती है, बस कौवे भैया अब आपने दाना भी खा लिया है, अब आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं अब आपको अपने घर में नहीं रखूंगी। मुझे पता है जब तक आपको अपनी गलती की सजा नहीं मिलेगी, जब तक आप नहीं सुधरोगे। फिर मीनू चिड़िया कौवे को अपने घर से बाहर निकाल देती है। कौवा बेचारा बारिश में अकेला भीगता हुआ पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अरे सब मेरी ही गलती थी, मीनू चिड़िया सही कहती थी, मुझे अपना घर बना लेना था और दाना भी जमा कर लेना था, अब मैं क्या करूँ? मेरे साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, मुझे बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पर अब जो हुआ वो हुआ, अब अगले साल से मैं अपना घर पक्का बना कर रखूँगा और दाना भी जमा करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा मैं।